वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। इस वीक हम एनालिस करेंगे गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड की जो नेक्स्ट वीक की जो फर्स्ट डेट है वो मंडे जो है वो 29 जुलाई है, और फ्राइडे जो है वो 2 अगस्त। ये वीक हम देखेंगे गोल्ड किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। इससे पहले हम मार्किंग करेंगे कि गोल्ड। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। इस वीक हम एनालिस करेंगे गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड की जो नेक्स्ट वीक की जो फर्स्ट डेट है वो मंडे जो है वो 29 जुलाई है, और फ्राइडे जो है वो 2 अगस्त। ये वीक हम देखेंगे गोल्ड किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। इससे पहले हम मार्किंग करेंगे कि गोल्ड किस ट्रेंड में पहले मूवमेंट कर रहा था और अब किस ट्रेंड में वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ से ये देखें, आप खुद देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन थी, एक जोन था जहाँ पर जो है गोल्ड जो है अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा था। आप देख सकते हैं ये 4 आवर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हर दफ़ा इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद इसने ये ब्रेक किया सपोर्ट ट्रेंड लाइन का और एक दफ़ा दोबारा रिटेस्ट किया, ठीक है। ये तो एक हमारा हो गया कि अप साइड की तरफ मूवमेंट था और जोन को रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन का। और यहाँ पे अब हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे जो है हमको मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए नियरेस्ट। पहले हम अपर लेवल के मार्क कर लेंगे कि ये मैक्सिमम जो है जोन जो था इसका हाइस्ट पॉइंट जो है गोल्ड का ये है 2483, ठीक है। इसके अलावा जो इसका लास्ट लोएस्ट था जो 4 आवर के उस हिसाब से आ रहा है वही 2293। ये एक दो जोन है, ठीक है, अप साइड और डाउन साइड के। अब हम मार्किंग करेंगे इसके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे हमको मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड ने जो है यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है। आप ये चेक करें तो यहाँ से जो है ये जोन एक हमारे को निकल के आ रहा है, ये जोन, ठीक है। एक ये जोन है इसका है करंट सिचुएशन में, इसके अलावा इसका एक ये जोन है जहाँ से ये अभी सपोर्ट ले रहा है। ये दो जोन है इसके पास, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, एक बाय की तरफ कर देते हैं और एक सेल के लिए कर देते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पे जब मूवमेंट अप की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया इसने गोल्ड ने, फिर दोबारा इसने यहाँ रिटेस्ट किया और ये ऊपर लेवल पे गया। यहाँ से एक रिजेक्शन ली इसने, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर यहाँ इसने सपोर्ट बनाया और ऊपर एक इसका जो जोन है वो 2483 का जो है हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद इसने रिजेक्शन यहाँ से ली, दोबारा ट्राई किया और अब ये नीचे की तरफ इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करके फिर दोबारा यहाँ पे इसी सपोर्ट को देखते हुए यहाँ एक और सपोर्ट इसने कोशिश की लेने की, ठीक है। अब यहाँ से जो है बुलिश की तरफ तो जा रहा है, लेकिन अभी हमको ये कंफर्मेशन करनी है कि यहाँ पे जब आता है 2420 पे तो हम यहाँ पे जो है सेल की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और दोबारा सेल की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्रॉसओवर करके फेक ब्रेकआउट करे, देन ये सेल की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है वो ट्रेंड लाइन 2450 के करीब आ रही, तो वहाँ तक वो जाके फिर सेल की तरफ मूवमेंट करें। तो आपने ये ज़रूर कंफर्म करना है कि यहाँ पे छोटे लेवल पे आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस पता चल जाएगा कैंडलस्टिक्स देख के। इसी जोन को अगर हम 1 आवर पे चेक करें अभी, तो आप देखें 1 आवर पे जो है यहाँ से ही सेम एरिया से इसने रिजेक्शन ली थी, ठीक है। ये वेनसडे को है 24 जुलाई को, जहाँ से रिजेक्शन लेके गोल्ड यहाँ से गिरा है और इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था जो हमने 4 आवर पे चेक किया। जो एक जोन है इसका, ये जोन जो है 2351 से लेके आप जोन मार्क कर सकते हैं 2364, ये जोन से जो है अब ये ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है 2400 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ये जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा सकता हूँ। अब ये देखें 2400 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि इस जोन से आगे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रिवर्स गोल्ड करे, हो सकता है इसको ब्रेकआउट भी करके ये यहाँ तक 2420 तक जाके और फिर रिवर्सल की तरफ और सेल की तरफ जा सकता है। लेकिन आपने ये छोटे लेवल पे कंफर्मेशन देखनी है कि छोटे लेवल के ऊपर जो है अगर कैंडल स्टिक जो आप ब्रेकआउट करती है और अगर सेल की तरफ हैवी रेड कैंडल्स बनती है तो फिर आप सेल की तरफ देख सकते हैं SL के साथ, यहाँ पे ऊपर का SL लगा सकते हैं 2405 के करीब, ठीक है। अभी जो है आप ये देख सकते हैं 1 आवर के अंदर ये जोन है मेन इस वीक के लिए, और गोल्ड जो है वो ये 2420 से लेके 2430
3-5 तक का जो इसका एक जोन है, यहाँ पे रिजेक्शन इसको मिल सकती है, प्लस इसकी ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ये यहाँ तक भी आ रही है 2450, तो ये यहाँ से भी रिजेक्शन दे सकते हैं। आपको छोटे लेवल पर ज़रूर कंफर्मेशन करनी है, उसके बाद ही आप सेल और बाय की तरफ देख सकते हैं। फिलहाल इसका जोन जो है, अभी आप देखें इसका जोन जो, अगर छोटे लेवल पर हम देखें 1 आवर के ऊपर, तो ये देखें आप ट्रेंड लाइन को, अगर मैं छोटे लेवल पर भी लगाता हूँ, आप देखें ये इसी तरफ जा रहा है अपसाइड की तरफ। मतलब ये पहले गिर रहा था 24 जुलाई वेनेसडे से गिर रहा था और फ्राइडे को आके ये रुका है। इसके बाद आप देखें फ्राइडे पे इसने सपोर्ट लिया है और अब ये अप की तरफ ट्राई कर रहा है, बुलिश की तरफ। नो डाउट कैंडल इसकी 1 आवर की बहुत स्मॉल स्मॉल है, क्योंकि वॉल्यूम उस वक्त कम था, न्यूज़ भी थी आपको पता है। अब जो है वो मंडे जो है थोड़ा स्टार्ट जो है स्लो होता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो मंडे स्टार्टिंग पॉइंट कंसोलिडेशन और सारे ऑर्डर्स वीक के जो है एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा स्लो होता है। लेकिन आपने ये ज़रूर नोट करना है कि इसकी मूवमेंट, अगर ये वाली जो लास्ट इसका हाई था 2390, जो लास्ट आप देख सकते हैं जुलाई को 26 फ्राइडे को, इसी लास्ट फ्राइडे को जो है गोल्ड ने यहाँ पे रेजिस्ट किया है, लेकिन अभी ये उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 2390 की तरफ, इसको ब्रेकआउट करता है तो आप इसको और बाय की तरफ देख सकते हैं 2400 का, और अगर इसको और ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसको जो है यहाँ पे 2420 की तरफ बाय और देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है आपका टीपी हो सकता है। ज़रूरी है आपको जो है स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा, इसके साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने क्या लॉट साइज़ लिया है, कितनी एंट्रीज ले रहे हैं। वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करें, ताकि जो है आपकी और क्लियरिटी आ जाए आपको और आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएं। आप चाहे तो अपने चार्ट के ऊपर ये जोन्स मार्क कर सकते हैं, ताकि जब भी कैंडल्स इस तरफ बनने शुरू हो जाएंगी बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ, तो आप उसके हिसाब से जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने जोन मार्क कर लिया, मैं यहाँ पे भी एक जोन की लाइन आपको मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि ये कौन से नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 2420 नियर बाय है, और अप साइड पर 2434, ये एक जोन है जहाँ पे जो है दोबारा जो है सेल की तरफ हम गोल्ड को देख सकते हैं। राइट नाउ वो बुलिश की तरफ ट्राई कर रहा है, मंडे को हम देखेंगे कि स्लो मूवमेंट होती है, लेकिन US सेशन के अंदर जो है इसका ब्रेकआउट होता है तो ये 2400 तक, और फिर उसके बाद ऊपर का जो जोन है इस तरफ जो है गोल्ड जा सकता है, और फिर यहाँ से जो है हम सेल की तरफ देख सकते हैं इसको। आप देख सकते हो 2400 एक तो साइकोलॉजी का नंबर है, इसके अलावा जब गोल्ड ने यहाँ पे 2400 पे सपोर्ट भी लिया था, उसके बाद अपसाइड पर जाके उसने ब्रेकआउट लिया, दोबारा इसने ये 2400 का रिटेस्ट किया और फिर ये गिरा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाला जो जोन है 2391, जो अभी इसने लास्ट सपोर्ट लेने की कोशिश की, इसको ब्रेकआउट करता था 2400 इसका एक टीपी हो सकता है आपके लिए, फिर इसके बाद जो है अपर जोन है। ये था इस वीक का जो एनालिस्ट था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप अपनी ट्रेड इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डेली लाइव आते हैं, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग डेली ऑन होती है, तो आप वहाँ पे भी आके ट्रेड देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, डेली हम लाइव आते हैं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।